नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। भारत को एक और बड़ा झटका, मलेशिया के पीएम बोले जाकिर नाइक का प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। देशद्रोह विवाद में उमर खालिद कन्हैया को बड़ा झटका, जेएनयू पैनल ने सजा रखी बरकरार। एक महीने में दूसरे जवान की हिजबुल ने की हत्या, शोपिया में कांस्टेबल का मिला शव। अजीत जोगी का कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास की ओर पैदल मार्च, 400 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। ब्रिटेन की अदालत ने दी माल्या के लंदन स्थित घर की तलाशी की अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में पैदल मार्च निकाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी और उनके समर्थकों को पुलिस ने जंतर मंतर के पास रोक लिया है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री आवास की ओर शुक्रवार को पैदल मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने पीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश में पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस ने अजीत जोगी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति दी है। दरअसल लंबे समय से दिल्ली में उपचार करा रहे पूर्व सीएम अजीत जोगी ठीक होने के बाद फिर राजनीति के अखाड़े में उतर आए हैं। अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार सुबह ही सबसे पहले अशोका रोड स्थित केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कार्यालय में पहुंचे और वहां आवेदन करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पीएम आवास की ओर कूच किया। योगी सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश के अंदर प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का एक आदेश जारी किया है। मैं अपील करता हूं कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने यहाँ महादेव में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पौधारोपण कर वन महोत्सव कार्यक्रम 2018 का शुभ आरंभ भी किया। हिमाचल में बन रही दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ऐसी फर्म कंपनियों की सूची तैयार कर रही है जिनके सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में हिमाचल में बनी दवाओं के करीब 42 सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के साथ हाल ही में बैठक के दौरान अधिकारियों ने ये रिपोर्ट सौंपी है। सैंपल फेल होने के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इनके चालान कोर्ट में पेश कर दिए हैं, साथ ही कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब राज्य सरकार इनके फाइनेंस को रद्द करने की भी तैयारी कर रही है। वहीं केंद्रीय दवा मानक एवं नियंत्रण संगठन ने भी लगातार सैंपल फेल होने के बाद कई तरह के सवाल उठाए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन हर महीने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अलर्ट जारी करता है। इसमें जिन दवाओं के सैंपल फेल होते हैं उनकी सूची जारी की जाती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।